हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे वेबसाइट के लिए हम लोग हमारे फॉर्म डिजाइन करते हैं। वो फॉर्म तो हमने नॉर्मल डिजाइन किया था, उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए अभी बहुत सारे टैग हमें सीखने के बाकी है। अब हम जैसे जैसे भी वो टैग सीखेंगे तो हम हमारे एप्लीकेशन, हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसके फॉर्म को हम और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब वो कैसे टैग है, कौन कौन से टैग है, वो भी हम अभी सीखेंगे। उसके पहले और भी एक कुछ बता दूं कि जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस फॉर्म के बहुत सारे टैग हम लोग CSS के साथ सीखेंगे। मतलब वहीं से हमारा रियल शुरू होगा HTML सीखना। अब तक तो हमने सिर्फ HTML को शुरू करना सीखा है, अभी शुरू किया, फॉर्म नॉर्मल बनाया और उसको देखा कि ऐसे ऐसे HTML की फाइल्स तैयार होती है। लेकिन जब हम नेक्स्ट सेशन से देखेंगे तो हमें कुछ अलग ही लुक उसका मिलेगा। तो इस सेशन में हम लोग आज देख रहे हैं कुछ उसके कॉमन टैग हैं जो सारे बहुत हमें नॉर्मल डिजाइन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वो टैग सीखने के लिए हमारे स्क्रीन की ओर। चलिए तो फिर दोस्तों, तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे टैग जो हमें हमारे फॉर्म को डिजाइनिंग करने में हेल्पफुल हो। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से टैग हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ टैग मैंने डिक्लेयर किए, जिसमें लिंक टैग, मेटा टैग, पैराग्राफ टैग, HR टैग, हेडिंग टैग, कमेंट्स, ऑर्डर लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, वैसे मार्क्यू टैग, ये सारे टैग हमें हमारे फॉर्म को डिजाइनिंग करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो पहले सबसे पहले देखे दो लिंक टैग, तो वो लिंक टैग एक्चुअली क्या है, तो ये जो दो लिंक टैग है वो हमें हेडिंग पोर्शन में ही डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि ये दोनों टैग जो है वो सारे हमें अगर कोई फाइल बाहर से हमें यहाँ पर अटैच करनी है और उसकी फंक्शनैलिटी हमें लेनी है, इसीलिए हम ये जो लिंक टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। और मेटा टैग जो है वो कभी कभार हमें कोई कंस्ट्रेंट भी जैसे डिक्लेयर करना है, जैसे कि हमें कोई फॉन्ट का टाइप डिक्लेयर करना है, कंटेंट यहाँ पर जब हम उसको सर्च इंजिन में डालते हैं तो उसके कंटेंट डिक्लेयर करने हैं, तो वो सारा हम मेटा टैग में डालते हैं। अब आगे जो बॉडी टैग के कंटेंट है उसके लिए हमें कुछ कंटेंट पहले लिख लेते हैं, जिससे हम उसके अंदर अप्लाई करें तो हमें पता चल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से उसके कुछ कंटेंट ले रहा हूँ, पैराग्राफ जैसे कंटेंट कुछ, यस मैंने ये नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर लिए है। यहाँ से आप हम लोगों को तो पता है कि जहाँ पर जैसे भी हम लोग यहाँ पर एंटर डालते हैं इट विल बी नॉट कंसीडर दैट डायरेक्टली, बिकॉज ये डायरेक्टली वहाँ पर कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम ब्रेक लाइन नहीं लगाते वो HTML के HTML के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेब ब्राउजर में वो जैसे ही पेज खत्म होगा इट विल बी शो। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को नाम दे दिया है text.html, जो हमारे फोल्डर में ऑलरेडी सेव है, वहां से हम लोग वो वापिस लेंगे और वहीं से ही मैं इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और वन बाय वन सारे टैग एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, जिससे हमें पता चले कि क्या क्या चेंज आता है यूट्यूब। सो यहाँ पर हमने टैग यहाँ पर हमने text.html करके जो पेज बनाया उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अभी। तो ये पूरा हमने एक पैराग्राफ ले लिया और ये हमारा फॉर्म हमने एग्जीक्यूट किया जो लास्ट टाइम यहाँ पर जैसे था वैसा, सिर्फ नॉर्मली ये जो कंटेंट हमने जो लिखे है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम देखते हैं वो सारे टैग यहाँ पर। सबसे पहला जो टैग है वो टैग है हमें यहाँ पर देखना चाहिए, वो है हमें पैराग्राफ टैग, पी टैग करके है। तो यहाँ पर जो टैग है वो पी टैग जो है वो पैराग्राफ के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं उसको पी टैग को एलोकेट करता हूँ। पी टैग का और क्लोजिंग टैग भी होता है कंपलसरी, जिस टैग का क्लोजिंग टैग होगा मैं यहाँ पर बताता रहूंगा। ये मैंने पी टैग डाला, अब देखिए मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या चेंज होता है, दैट इज नथिंग बिकॉज दैट इज द पैराग्राफ। जब भी हम लोग ये टैग लेंगे ना तब क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता दूं। सपोज कि जैसे ही मैं पैराग्राफ टैग लूंगा, सपोज यहां तक मैं पैराग्राफ टैग लेता हूं पी, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं। सो देखिए इट विल बी कंसिडर एज अ वन लाइन पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ वी हैव टू चेक आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट थिंग, सो दैट इज द वन स्पेशल डिफरेंट टोटली वन ब्लॉक इज देयर। So, ये जो है वो पूरा एक ब्लॉक तैयार कर लेता है कि ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पहला था हमारा पी टैग जो पैराग्राफ के लिए था। अब हमारा दूसरा टैग हम लोग लेते हैं HR टैग। HR मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग HR टैग लेते हैं। HR टैग के लिए
एक पूरा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। यहाँ पर मैं सपोज एचआर लिख रहा हूँ, एचआर, तो अब देखते हैं वो एचआर टैग क्या करता है। इसका एचआर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, वो सिर्फ वन एक ही बार हमें डिक्लेयर करना है। उसको सेव करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए एचआर के बाद जहां पर हमने एचआर डिक्लेयर किया वहां पर वो अंडरलाइन आया और पूरा लाइन नीचे से ही शुरू हुआ। सो दैट इज द हॉरिजॉन्टल रो। नेक्स्ट वन जो टैग है वो हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया उनमें से जो पी टैग है, एचआर हेडिंग टैग है। अभी जो हेडिंग टैग है वो किस लिए डालते हैं, तो यहाँ एचटीएमएल में हमें एक फैसिलिटी अच्छी मिल रही है कि अगर हमें किसी को हेडिंग डालना है, फॉन्ट बड़े डालने हैं छोटे डालने, वो एक सीक्वेंस दिया हुआ है H1 to H6, हर एक हेडिंग टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सपोज H1, ये मैंने डॉट नेट की कॉन्सेप्ट लिया है इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ ASP.NET, ये मैंने /H1, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये जो हेडिंग है वो देखते हैं कि हेडिंग कैसे तैयार होता है। F5, तो जैसे ही मैंने डाला देखा ASP.NET बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जो हेडिंग 1 है, ऐसे अप टू देयर हेडिंग 6 तक हमें यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जैसे जैसे 1-1 हेडिंग इंक्रीमेंट करेंगे फॉन्ट छोटे होते जाएंगे। और इसको ले जाने के लिए आपको ब्रेक लाइन भी, नई लाइन में ले जाने के लिए ब्रेक लाइन इस्तेमाल नहीं करना है, यहां पर खुद ब खुद वो ब्रेक लाइन पर चला जाएगा। सेम यहां पर मैंने हर एक हेडिंग टैग का क्लोजिंग भी डालना है। सो ये जो हेडिंग टैग है वो हमें यूज होता है इस तरह से सीक्वेंस में, ठीक है। ये हेडिंग टैग ऑलमोस्ट हम लोग जब भी हमारे कंटेंट में हेडिंग डालना होता है, कोई पैराग्राफ का हेडिंग है या तो पेज का पूरा टॉप बॉटम हेडिंग है, इसीलिए हम लोग ये कंटेंट यूज करते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हेडिंग टैग खत्म करने के बाद हम देखते हैं, तो दूसरा टैग हमें यहाँ पर मिलता है कमेंट टैग। कमेंट, ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस एचटीएमएल में कमेंट टैग का पता नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी लाइंस में कमेंट में डालता हूँ, कमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग समझने के लिए यहाँ पर लाइन लिखते हैं लेकिन वहां पर हम लोग वो लाइन डिस्प्ले नहीं करवाते, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है कमेंट के लाइन। तो जैसे जैसे भी हमारा पार्ट होता है यहाँ पर अलग अलग हेडर पोर्शन, फुटर पोर्शन, हमने बताया था जैसे फॉर्म डिजाइन किया था उस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग फुटर होता है, यहाँ से स्टार्टिंग हेडर होता है। जैसे कि ये कंटेंट है तो मैं इसके आगे लिख लेता हूँ कि दिस इज द डिटेल कंटेंट, तो यहाँ वो डिटेल कंटेंट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए लेकिन जब हम कोड देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए। और कमेंट है यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए हमें करना है ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पर, फिर उसके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देना है और 2 hyphen देना है। जैसे मैं 2 hyphen दिया, देखो यहाँ पर ग्रीन लेटर, सारे कैरेक्टर ग्रीन हो गए, बिकॉज ग्रीन का मतलब वो कमेंट में चले गए। यहां पर मुझे जो भी लिखना है यहां पर मैं लिखता हूं दिस इज डिटेल, डिटेल्स, ठीक है। और कमेंट को क्लोज करने के लिए मुझे हाइफन और वापिस ब्रैकेट क्लोज करना है। ये जितना भी ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है वो सारे कंटेंट वहां पर डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं ये एग्जीक्यूट करके, यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्म को एग्जीक्यूट भी कर दिया, सेव भी कर दिया, लेकिन वो कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुए। मुझे अगर ये ऊपर लिखा हुआ .NET प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग डायनामिक कोड वो भी निकालना है तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर जाके कमेंट रख देता हूँ तो वो भी यहाँ से डिस्प्ले निकल जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे। यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लोज कर देता हूँ हाइफन ब्रैकेट, नाउ अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो कंटेंट खुद ब खुद चले गए, ठीक है। वो कंटेंट अभी रहने देते हैं हम लोग। अब आगे जो कोड आ रहा है वो कभी हम जो कंटेंट टाइप करते हैं, वो जो हम डिटेल टाइप करते हैं उसमें हमें कभी कभार लिस्ट देना पड़ता है, जैसे कि नंबरिंग देना पड़ता है 1, 2, 3, या तो हमें कोई बुलेट्स देना पड़ रहा है, तो वैसे हम लोग जो भी बुलेट्स देना चाहे, जो भी नंबरिंग देना चाहे वो दे सकते हैं। जब कैसे नंबरिंग देना है, अगर दो तरह के नंबरिंग होते हैं, एक बुलेट्स डालना है तो वो अनऑर्डर होता है, जो ऑर्डर में नहीं होता है वो डायरेक्टली 1 by 1 नंबर आ जाते हैं। सेकंड जो है वो है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हमें जैसे डिक्लेयर करना है तो दो यहाँ पर 3 टैग हमें याद रखने हैं, एक UL मतलब अनऑर्डर, सेकंड LI मतलब लिस्ट, और लास्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर, सो यहाँ पर UL डाल देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर
लिस्ट तो डालना ही है, तो एलआई टैग लिखना है उसका क्लोजिंग। सपोज यहां पर मैं डाल रहा हूं कोई भी कंटेंट हमें डालना है टी, ठीक है, स्लैश एलआई, अब वापिस सेकंड डिश भी मुझे डालना है, तो मैं यहां पर सपोज मिल्क डाल रहा हूं मिल्क, ठीक है, दो एंट्री मैंने की। अब उसको मुझे यूआर टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि उसका अभी कोई क्लोजिंग है नहीं, इसीलिए देखो इसका क्लोजिंग है तो यहां पर नॉट डाउन मिल रहा है, यहां पर कोई क्लोजिंग नहीं है तो मिल नहीं रहा है, यहां पर मैं डाल रहा हूं स्लैश यूआर, तो जैसे ही मैंने स्लैश यूआर डाल दिया इट विल बी कंसिडर ऑटो ऑटोमेटिकली बुलेट्स। अगर हमें बुलेट्स कहीं और से भी लेना है तो भी हम ले सकते हैं यहाँ पर उसका स्टाइल देकर सिंबल देकर, लेकिन अभी हम नहीं देंगे, आगे देखते हैं वो पता चलेगा। और यहाँ पर यूएल का आप देखो मिल रहा है नोटिफिकेशन, तो आप देखो उसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दो चीज हमें मिलेगी टी और मिल्क, उसके आगे बुलेट्स मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें यही ऑर्डर में चाहिए, मतलब वन और टू लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर और कुछ नहीं ओएल डालना है, ओएल के बाद वापिस एलआई टैग तो हमें यूज करना ही है और ओएल को क्लोज करना है हमें यहां पर। तो ये जो मैंने टैग क्लोज किया उसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां पर क्लोज हुआ, तो अब यहां पर अल्टर एफ एस करके मैंने उसको सेव किया। अब एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है, F5, सो इट विल बी 1 2, राइट। अगर मुझे इसे नंबर स्टार्ट करना है 50 से तो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्टार्ट इक्वल टू 50, जिस नंबर से मुझे शुरू करना है मैं यहां से लिखूंगा वहीं से वहां पर शुरू होगा 50 51, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ लिस्ट को डिक्लेयर करने का टैग, उसके अलावा बहुत सारे टैग है। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी टैग डाले हैं तो यहाँ पर कहीं पर बोल्ड इटैलिक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, किसी को अंडरलाइन करना है तो अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए भी कुछ अलग अलग टैग है जहां पर मुझे सपोज कि यहाँ ये जो इवेंट इतना लिखा हुआ है इवेंट ड्रिवन उसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं उसके लिए बोल्ड के लिए मुझे यहाँ पर बी टैग मिल रहा है, बी के अलावा और एक टैग है जिसको हम स्ट्रॉन्ग टैग बोलते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिखकर भी डालते हैं तब भी हमें वो बोल्ड में मिलेगा। यहां पर मैंने बोल्ड डाल दिया है, उसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो उतना पोर्शन मुझे वहां पर बोल्ड मिलेगा इवेंट ड्रिवन। उसके अलावा मुझे सपोज कि मुझे उसके बाद के जो मॉडल लिखा हुआ है वो इटैलिक फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहां पर इटैलिक आई डाल सकता हूं, आई टैग जो है वो इटैलिक के लिए है, मॉडल विथ कंटेंट जो लिखे है उसको मैं स्लैश आई तक खत्म करूंगा तो वहां पर आएंगे। मुझे किसमें अंडरलाइन चाहिए तो यूजर से मुझे अंडरलाइन चाहिए तो मैं यहां पर यू टैग डाल सकता हूं स्लैश यू। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं कहां कहां चेंज होता है। तो देखिए यहां पर मॉडल इवेंट ड्रिवन बोल्ड है, ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन वाला टैग है, ठीक है। तीनों को साथ में डालना है या किसी दो को ही डालना है तो भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर अंडरलाइन भी चाहिए और इटैलिक भी चाहिए तो मुझे उसको ऐसे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा स्लैश आई एंड स्लैश यू। ऐसे अगर बोल्ड के साथ भी आई और यू दोनों ले सकते हैं, हर एक जगह पर कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर वो इटैलिक भी हुआ और बोल्ड भी हुआ, ये सारे टैग जो थे वो बेसिक डिजाइनिंग के लिए थे। ऐसे ही हम लोग हमारे कंटेंट लिखते हैं तो कहीं पर बोल्ड होते हैं हेडिंग होते हैं, तो ये सब हम इस टैग के जरिए सीख सकते हैं। इससे अच्छा फॉर्म आप कैसे डिजाइनिंग करना है, एचटीएमएल क्या है वो प्रॉपर वे में हम लोग देखेंगे। कल से हमारा प्रॉपर सेशन शुरू होगा जिसमें हम एचटीएमएल क्या है उसके साथ सीएसएस कैसे ज्वाइन किया है और एचटीएमएल के पेज को कैसे हम किसी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सीएसएस क्या है, तो प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए सीएसएस का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर हम बहुत सारे HTML टैग HTML 5 टैग्स भी सीखेंगे। तो यहाँ से हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। देखा कुछ कॉमन टैग थे जो हमारे कंटेंट को कुछ अलग तरीके से फॉर्म पर डिस्प्ले करते थे, सही बात है। तो ऐसे ही बहुत सारे टैग हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में विथ CSS के साथ शुरू करेंगे। वहां पर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे HTML क्या है, CSS क्या है, कैसे HTML में फॉर्म तैयार होते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे तैयार होता है रियल फॉर्म, रियल एप्लीकेशन,
उसको कहीं और स्किपिंग के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी उसके अंदर पता चल जाएगा। वहां पर जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं वो एट्रीब्यूट भी हम वन बाय वन उसके अंदर कॉमनली सीख लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था अब तक का जो 5 सेशन हमने कंप्लीट किए वो सारे सेशन सिर्फ हमारा स्टार्टअप था, बिगिनिंग था कि हम लोग वहां से एचटीएमएल शुरू करें। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे नए सेशन में नए तरीके से एचटीएमएल डिजाइनिंग। ओके, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना और बेल बटन पे क्लिक कर लेना, जिससे कल से हमारे नए वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।